भगवान, आज मेरी जीत ने मेरा सिर संसार में फिर ऊपर उठाया है, इसलिए आज मैं तेरे सामने फिर अपना सिर झुकाता हूं और तुझसे वर मांगता हूं कि मेरा सिर संसार में कभी न झुके और मैं शर्म से मुरझाया हुआ मुंह लेकर तेरे सामने कभी ना आऊं। तेरी जय हो, तेरे भक्तों की जय हो। देवों के देव कैलाशपति महादेव, तेरी सदा ही जय जय जय। राजों के राज छत्रपति सरताज पृथ्वी वल्लभ, तेरी सदा ही जय। आज तुम्हें निराश होना पड़ेगा। गोदावरी पार से तलप आया है, आज अपना हर रोज का काम उसे करने दो। महाराज की जय हो। तैलब के हाथ इतने खुरदरे हैं कि उन्हें आपके सुंदर पांव धोने की आज्ञा देना संगीत और कला का निरादर करना है। तुम भूलते हो कविराज, तैलब हमारे पांव इतनी बार धो चुका है कि अब उसके हाथ खुरदरे नहीं रहे, और फिर वो हमारा दोस्त भी है। महाराज की जय हो। कायर और हारा हुआ आदमी आपका दोस्त नहीं हो सकता। जो आदमी 15 बार हार कर फिर भी लड़ने की हिम्मत कर सकता है, पृथ्वीवल्लभ मुंज से कायर नहीं समझता। धन्य हो राजन। मेरा दरबार तेरा स्वागत करता है। लो आओ, अब अपना काम शुरू करो। मैं इनकार करता हूं। क्यों? जिन पांव को तुम 15 बार धो चुके हो, उन्हें 16वीं बार धोने में लाज कैसी? और अब ये बर्तन भी तुम्हारे देश के हैं, पानी भी तुम्हारे देश का है। आज तेलंगन का राजा तेलंगन के बर्तनों में तेलंगन का पानी लेकर अवंतीपुर के महाराज पृथ्वी वल्लभ मुंज के पांव धोएगा और उसके साथ अपने मन से अपनी 16वीं हार भी धो देगा। पानी के बर्तन लेकर आगे बढ़ो और इसके बाद ये हाथ तुम्हें अपना दोस्त समझकर अपने पास बिठा लेंगे। नहीं मुंज, अब ये हाथ उन पांव को नहीं छुएंगे जिन्होंने पाप के पस में होकर सैकड़ों औरतों का औरत पंगड़ा है। न उन हाथों को छुएंगे जो नित नई औरतों के गले का हार बनते रहते हैं। तैलब, ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह से तुम्हारी बहन मृणालवती बोल रही है।
जिसका जीवन रेत की तरह खुश और स्मशान की तरह उदास है, जिसके होठों ने एक बार भी जीवन का मजा नहीं चखा और जिसकी आंखों ने एक बार भी दुनिया की रंगीनियां नहीं देखी। तुम क्या जानो दुनिया और दुनिया की बाहर क्या है। खैर, अगर एक बार फिर अपना जीवन और आजादी चाहते हो तो अपना काम शुरू करो। महाराज की जय हो। क्या आप तैलब को फिर छोड़ देंगे? जो आदमी दुश्मन को माफ नहीं कर सकता वो कायर है। मगर राज्य जोशी पंडित प्रताप आदित्य ने कहा था कि 70वीं लड़ाई में महाराज के हार जाने का भय है। अगर एक आदमी 100 बार जीत कर एक बार हार जाता है इसमें हर्जी क्या है? मगर राजकुमार भोज अगर यहाँ होते, राजकुमार भोज यहाँ होता तो क्या वो मुझसे कह सकता था कि इसे क्षमा न करो? ये तुम्हारी भूल है कविराज। मैं क्षमा चाहता हूँ राजन। चलो तैलब, या मेरे पांव धोकर अपने देश को चले जाओ, या हाथी के पांव तले आकर दूसरी दुनिया का रास्ता लो। एक पल में फैसला करो, इधर या उधर। बस तैलब राज, आज से तुम हमारे मित्र हो। आओ यहां बैठो। हमारे दरबार की गोरी कोयलें कहां हैं? उनसे कहो कि हमारे मेहमान का दिल बहलाने के लिए अपने पांव और गले का सारा जादू खर्च कर दें। राज धनंजय, महाराज तैलब और इनके साथियों को गोदावरी पार पहुंचाने का प्रबंध करो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि इन्हें रास्ते में किसी बात की तकलीफ न हो। महाराज की आज्ञा का पूरा पूरा पालन होगा। चलिए महाराज, आप क्या सोच रहे हैं?
मैं ये सोच रहा हूं कि जब मैं हार कर अपने देश को लौटूंगा तो मेरी बहन क्या कहेगी। फेंक दो आरती के तीर, और महल में जितने रसोइया हैं उनसे कहो आज हलवा बनाएं। महाराज को हलवा खाने का शौक है। चकल्ला देवी, मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं, और मैं जानती हूं उसके माने क्या है। जाओ। इसके ये माने हैं कि तुम मेरा अपमान कर रही हो, मगर जरा सोच कर बताओ आखिर मैं और क्या कर सकता था। तुम और क्या कर सकते थे? तुम लड़ाई जारी रख सकते थे, तुम हत्या डालने से इनकार कर सकते थे, तुम अपनी जान देकर देश की आन बचा सकते थे, मगर जिसे जीवन प्यारा है वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बातें कर सकता है। मैंने जीवन इसलिए नहीं बचाया कि मुझे जीवन से प्यार है, मैंने जीवन इसलिए बचाया है कि मैं दुश्मन से बदला ले सकूं। अपने आप को धोखा न दो। तुम जानते हो कि तुम दुश्मन से बदला नहीं ले सकते, तुम सिर्फ उसके पांव धो सकते हो, तुम सिर्फ उसके सामने सिर झुका सकते हो, तुम सिर्फ उसके पास जीवन की भिक्षा मांग सकते हो। मैंने इतनी बार यत्न किया, इतनी बार दुश्मन के देश पर हमला किया, लेकिन किस्मत ने हर बार उसका साथ दिया, मुझे हर बार हार कर लौटना पड़ा। आदमी दुश्मन से लड़ सकता है, किस्मत से नहीं लड़ सकता। तो तुम समझते हो तुम कुछ नहीं हो? जो कुछ है तुम्हारी किस्मत है। तुम्हारी किस्मत एक नदी है और तुम उसके धारे में बहने वाले तुच्छ तिनके हो। तुम्हारी किस्मत एक तूफान है और तुम उसमें उड़ने वाले हकीर पत्ते हो। तुम्हारी किस्मत एक कुम्हार है और तुम उसके हाथ में गीली मिट्टी का खिलौना हो। वाह वाह, आदमी की कैसी अच्छी तारीफ की है तुमने। भारतवर्ष की होने वाली संतान तुम्हारा नाम सुनकर खुशी से पागल हो उठेगी। मगर क्या मैंने किस्मत से लड़ने का यत्न नहीं किया? क्या मैंने 16 बार दुश्मन पर हमला नहीं किया? और क्या तुम्हें 16 बार हार नहीं हुई? आखिर इसमें दोष किसका है, तुम्हारे या किसी और का? मेरे हारने का कारण यह है कि मैं उसके घर में जाकर लड़ता हूं, उसके जीतने का कारण यह है कि वो अपने घर में लड़ता है। अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। तो ऐसा यत्न करो कि वो तुम्हारे देश पर हमला करे। मगर वो करता ही नहीं है। उससे कहो कि हमारे देश पर हमला करे, मुंह तोड़ दूं, दांत खट्टे कर दूं, हथियार छीन लूं। रास्ता मैं बताती हूं। उसने तुम्हारे साथ अपना राजकवि भेजा है? हाँ। उसे कैद कर लो। तो वो हमला कर देगा? बस सारी शेखी किरकिरी होगी। अभी कहते थे वो हमला करे तो ये करूं और वो करूं, अभी हाथों के तोते उड़ गए कि वो हमला कर देगा। तो मालूम हुआ तुम बदला लेने की तैयारी करने नहीं आए, जान बचाकर बहन की गोद में छुपने के लिए आए हो। देखो ना बहन, बात ये है कि इसमें अपनी इज्जत। इज्जत का क्या है? आदमी को जान बचानी चाहिए। जान है तो जहान है, खाओ पियो मौज मनाओ, यही जीवन है, यही जवानी है। ये आवाज काहे की थी? हलवा बन रहा है। मैं पूछती हूँ काहे की आवाज थी? लोहे से लोहा टकराने की। लोहे से लोहा टकराने की? तो इसे बंद करो। क्या तुम नहीं जानते मेरा भैया इस आवाज से डरता है? लड़ाई में लोहे से लोहा टकराता था, मेरा भैया मेरी गोद में छुपने के लिए यहां भाग आया। अब अगर यहां भी लोहे से लोहा टकराएगा तो वो भागकर और कहां चला जाएगा? और अगर कहीं चला गया तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा? नुकसान मेरा होगा जो संसार में फिर भाई के बगैर रह जाएगी। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर इस आवाज को बंद कराओ। भिल्लमराज के पास आदमी भेजो, मैं उनसे अपने महल में मिलना चाहता हूं। महाराज की जय हो। भिल्लमराज, मुंज के राजकवि धनंजय को कैद कर लो, अपने सिपाहियों को गोदावरी के किनारे जमा करो, और मुंज के पास ये संदेशा भेजो कि अगर वो अपने आप को बहादुर समझता है तो अपने कवि को छुड़ाने के लिए हम पर हमला करे। मगर महाराज। भिल्लमराज, ये महाराज हैं, इनका काम आज्ञा देना है,
आप सेनापति हैं, आपका काम आज्ञा का पालन करना है। राजमाता। चारिणी, क्या तू नहीं जानती इस देश में गाने बजाने की मनाही है? गाना बजाना आदमी के मन की प्यास है और खुश होना आदमी के मन का पैदाइशी अधिकार है। अगर तुम्हारा मन बीमार है तो तुम दूसरों पर खुशी के द्वार क्यों बंद करती हो? आज तुम कहती हो इस देश में गाने बजाने की मनाही है, कल तुम कहोगी इस देश में हंसने मुस्कुराने की मनाही है। जरा सोचो, तुम्हारे लोग तुम्हारा ये अन्याय कहां तक सहेंगे? जो न सहना चाहे वो इस रात से बाहर चले जाए, मगर यहाँ किसी को गाने बजाने की आज्ञा नहीं मिल सकती। आज तो मेरे गीत में तुम्हारे लिए एक खुशखबरी थी, मगर जब तुम नहीं सुनना चाहती तो खैर। खैर चारिणी, तू क्या खुशखबरी लाई है? मेरा गीत कहता है कि हमारा राजा लड़ाई में जीत चुका है और जो उससे लड़ता था वो हार गया है। तो क्या मेरे भाई ने मुझको पकड़ लिया? दुनिया ने मुझको पकड़ने वाला आदमी आज तक पैदा नहीं किया, उसे तुम्हारी बदकिस्मती ने पकड़ा है। आदमी समझता है उसकी किस्मत मुस्कुरा रही है, मगर वो नहीं जानता कि वो मुस्कुराहट ही उसके जीवन को जलाकर भस्म कर देने वाली आग बन जाएगी। मुझ ने लड़ाई हारी है, तुम अपना जीवन हारोगी। चारिणी! चारिणी ने नीले आकाश पर होनहार का लिखा देखा और तुम्हें पढ़कर सुना दिया, इसमें उसका कोई दोष नहीं। हवा ने बांधा है क्या रंग, हवा ने बांधा है क्या रंग, पगली है। देखो इसकी चाल राली, देखो इसके ढंग, देखो इसकी
इसके ढंग, हाँ देखो इसके ढंग, हाँ देखो इसके ढंग, हवा ने बांधा है क्या रंग, हवा ने बांधा है क्या रंग। लक्ष्मी देवी देखो, विलास ध्यान कर रही है। आपने ठीक कहा था। विलास विलास बाहर जाओ और जब कोई आए तो मेरे पास सूचना लाओ। भगवान, मैं तुझसे भाई की जीत के लिए प्रार्थना करने आई थी, मगर मालूम होता है तूने मेरी प्रार्थना को पहले ही सुन लिया और मेरे भाई की जीत हो गई। अब मेरी तुझसे ये प्रार्थना है कि जब मैं उस पापी मुंज को हाथी के पांव से बंधे हुए और तैलंगन के बाजारों में घिसटते हुए देखूं, तो मेरी रक्षा करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुशी से पागल हो जाऊं। माँ, मुंज के कवि। तुमसे किसने कहा? विलास के पिताजी। ये मुंज कितना मूर्ख है जो इतना भी नहीं समझता कि कभी घर में बैठकर बातों की तीर चला सकते हैं, युद्ध भूमि में जाकर लोहे की तीर नहीं चला सकते। ऐसे निकम्मों को लेकर लड़ाई जीतने आया था। कितना सुंदर दिखाई देता है और वीर भी। ये मुंज है, ये मुंज को पैदल क्यों चलाया जा रहा है? ये भी भैया की मेहरबानी है, नहीं तो ये आदमी इस योग्य है कि जंजीरों से जकड़ कर घसीटा जाए। मैं पूछती हूँ, क्या ये मुंज बहुत बुरा आदमी है? इससे बुरा आदमी सारी दुनिया में नहीं होगा। लेकिन है कितना सुंदर। लड़की, होश की दवा कर। तुझे किसी के सुंदर असुंदर होने से क्या मतलब? अगर अपने मन को बस में नहीं रख सकती तो जा, यहाँ से चली जा। ¶¶
अब सवाल यह है कि मुंज को क्या सजा दी जाए? सिर काट दिया जाए? माफ कीजिए, राजनीति कहती है कि रणभूमि के सिवाय राजा का सिर कहीं भी नहीं काटा जा सकता, और इस वक्त मुंज रणभूमि में नहीं बंदी घर में है। जब मारना ही है तो रणभूमि और बंदी घर दोनों जगह बराबर है, फर्क क्या है? यह तो ठीक है, तुम जरा चुप रहो। लमराज ठीक कहते हैं, सिर काटने से आदमी जल्दी मर जाता है। मैं चाहती हूं कि मुंज को इससे कड़ी सजा दी जाए। मगर ऐसी सजा क्या है कि उसका सिर भी न कटे और उसको मौत से बढ़कर तकलीफ भी पहुंच जाए? उसके होंठों से मुस्कुराहट छीन लो, आंखों से तेज छीन लो, चेहरे से सुर्खी छीन लो, सबसे बढ़कर ये उससे उसका अभिमान छीन लो। अभिमान के बिना वो जीते जी मर जाएगा, और ये जीते जी की मौत मौत से भी बढ़कर भयानक होगी। मगर मुंज जान दे देगा, अभिमान न देगा, उससे उसका अभिमान कोई नहीं छीन सकता। मेरा ख्याल है मैं छीन सकती हूँ। आप? तुमने उसे कहाँ रखा है? राजमहल के बंदी घर में। तो आज शाम को मैं बंदी घर में जाऊंगी ताकि वो मेरी शक्ति देखे, मैं उसकी बेबसी देखूं, और उसे मालूम हो जाए कि उसके अभिमान का समय समाप्त हो गया है। ये तो हुआ, अब तुम बोलो भिल्लमराज, तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? तुम्हारी सेवा के लिए मैं जो कुछ भी दे सकूं थोड़ा। आपकी खुशी मेरा सबसे बड़ा इनाम है। फिर भी तुम्हें हमसे कुछ मांगना चाहिए। संकोच न करो, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। महाराज, मेरे मन की एक ही इच्छा है और वो आप जानते हैं। राजकुमार सत्याशय के साथ विलासवती का विवाह? हाँ महाराज। अगले महीने हो जाएगा। महाराज की जय हो। मगर ये तो पिछला हिसाब था, इस लड़ाई के लिए कोई और वर मांगो। महाराज, आपके राज्य में मुझे किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी अगर आपकी आज्ञा है तो। जो कुछ कहना है निर्भय होकर कहो। मैं चाहता हूँ मुंज के कवियों को जीवन दान दिया जाए। कवि झूठी निंदा और झूठी तारीफ करते हैं, उनकी जान बचाकर क्या करोगे? तो और चीज मांगो। और क्या मांगू? और तो आपने मुझे सब कुछ दे रखा है। आखिर तुम उनको छुड़ाकर क्या करना चाहते हो? जो आप चाहें। मैं क्या बताऊं? मैं बताती हूँ, आज तक ये कवि एक पतित मुंज की तारीफ गाते रहे, अब उनसे कहो उसकी निंदा के गीत गाएं। एक पत्थर से दो पंछी मरेंगे। ठीक है फिल्मराज, तुम्हारी प्रार्थना मंजूर हुई, हमने वो आदमी तुम्हारे हवाले किए, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर वो कहीं भाग निकले के जवाब दे तुम रहोगे। राजमाता की जय हो। आइए कविराज, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे भी कविता का शौक है और मेरी स्त्री को भी, आप और आपके नौजवान शिष्य। इनका नाम रसनिधि है। ओ, जैसा रूप सुंदर है वैसा ही नाम भी सुंदर है। आइए। राम नाम धन पाया मैंने, राम नाम धन पाया, राम नाम धन पाया मैंने, राम नाम धन पाया। नहाने ना मैं शंख बजाया, ना मैं गंगा गई नहाने,
जानवर में त्याग की बात है। मृणालवती जो उस देश की राजमाता है। दूजा धन है आना जाना चलती फिरती छाया, दूजा धन है आना जाना चलती फिरती छाया, राम नाम धन घटत घटे नहीं दम दम होत समाया, मैंने राम नाम धन पाया, राम नाम धन घटत घटे नहीं दम दम होत समाया, मैंने राम नाम धन पाया, नाम धन पाया। विलास बेटे, विलास याद है तुमने इन्हें जुलूस में देखा था? ये मुंज के मशहूर कवि धनंजय हैं और ये इनके शिष्य रसनिधि। प्रणाम करो बेटा। हम कवि हैं, तुम कविता हो, तुम जो कुछ सोचती हो और करती हो हम उसे देखकर लिखते हैं और कवि बन जाते हैं, इसलिए तुम हमें क्यों प्रणाम करो, हमें तुमको प्रणाम करना चाहिए। बेटी देखा तूने, इनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द कविता है। अच्छा जाओ अपनी माताजी से कह दो इनके स्वागत का इंतजाम करें। आइए कविराज। वो चंडाल क्या कर रहा है? वो इस समय सो रहा है राजमाता। इस हाल में वो सो भी सकता है? कभी कभी गाता भी है राजमाता। दरवाजा खोल दो, अब उसे दूसरा गीत गाना पड़ेगा। जरा धीरे, नाजुक पैरों में मोच आ जाएगी। जबान संभाल कर बोलो, तुम्हारे सामने तैलप राज की बहन मृणालवती खड़ी है। ये तो मैं पहले ही समझ गया था, पृथ्वी वल्लभ को जगाने की हिम्मत किसी मामूली स्त्री में नहीं हो सकती। इस बुरे हाल में भी तुम्हें यह ख्याल नहीं कि तुम किसके साथ बोल रहे हो? बुरा हाल कैसा सुंदरी? यह अपनी शोहरत से पूछो, अपने कवियों से पूछो, अपने सिपाहियों से पूछो, और अगर फिर भी कुछ बाकी रह जाए तो अपनी हारी हुई किस्मत से पूछो। तो सुनो, मेरी शोहरत सुनकर तुमने मुझे जीतने का विचार किया, मेरे कवियों के गीत सुनकर तुम्हारे मन की आग और भी भड़कने लगी, और मेरे सिपाहियों की बहादुरी देखकर तुमने अपने भाई को मुझसे फरेब करने पर उभारा। बाकी रह गई बात मेरी हारी हुई किस्मत की, सो उसे देखने के लिए तैलबराज की जोगन बहन अपना जोग छोड़कर यहां तक दौड़ी आई है। और यही जोगन कल तुम्हें कुत्ते की मौत मरते देखेगी। नहीं सुंदरी, बहादुर कभी कुत्ते की मौत नहीं मरता, बहादुर सदा बहादुर की मौत मरता है, और जो बहादुर की मौत मरता है वो कभी नहीं मरता है। तुम पे धिक्कार है, पाप का मतलब तुम बहादुरी समझते हो? मेरे मन ने जो भला समझा वो मैंने किया, इसमें पाप कैसा? मन की बात मानना यही सबसे बड़ा पाप है। नहीं सुंदरी, मन की बात मानना पाप नहीं है, मन में उठते हुए जिस बात को दबाना पाप है। मृणालवती, मैं पूछता हूं तुम आज भी क्यों नहीं मुस्कुराती? देखो इस बंदी घर की पथरीली दीवारें जो हमेशा अपने कैदियों के दुर्भाग्य पर रोती रही हैं, वो भी आज किसी के सौभाग्य पर मुस्कुरा रही है। तुम्हारे सौभाग्य पर? नहीं, तुम्हारे सौभाग्य पर, तुम्हारे जीवन के सौभाग्य पर, तुम्हारे जीवन की तब्दीली के सौभाग्य पर। वहम? वहम नहीं, संसार की सबसे बड़ी सच्चाई,
मैं पूछता हूं मृणालवती, तुम क्यों अपने जज्बात दबा रही हो? अब भी समय है, जवानी की आंखें खोलो, वरना बुढ़ापा जाग उठेगा तो जवानी और प्रेम का जागना असंभव हो जाएगा। तपस्विनी, मृणाल के लिए प्रेम का ख्याल करना भी पाप है। प्रेम को पाप कहती हो? जब मैं तुम्हारे पापों की कहानियां सुनती थी तो मुझे शुभा होता था कि लोग बात को बढ़ाकर कहते हैं, मगर अब मालूम हुआ कि वो सच कहते थे। ये तो मुझे मालूम नहीं कि लोग क्या कहते थे और तुमने क्या सुना है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने हमेशा दुनिया और दुनिया के सुखों को भोगा है और हर हाल में अपना सिर ऊंचा रखा है। मैंने अपनी उम्र की एक एक पल से, दुनिया की एक एक हरकत से, जवानी की एक एक उमंग से हमेशा आनंद लूटा है। मैंने सदा आज को देखा है और कल की कभी परवाह नहीं की, इसलिए मैं कल भी खुश था और आज भी खुश हूं। अपनी हार पर? अपनी जीत पर। तुम इसे जीत समझते हो? बेशक, तुम मुझे अपने बस में करने आई थी, लेकिन आप मेरे बस में हो गई हो। ये मेरी जीत नहीं तो और क्या है? मुझे बस में करने वाला जीव आज तक पैदा नहीं हुआ। तुम भूलती हो, वो आज से 40 साल पहले पैदा हो चुका है। तो अब उसे मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम तो सदा मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतना याद रखना, हम मरते वक्त अकेले ना होंगे, हमारे साथ कोई और भी होगा। आपकी आज्ञा का पालन हो गया है। मुंज के जिन आदमियों को नौकरी मंजूर थी उनको नौकर रख लिया गया है। और जो नौकरी नहीं करना चाहते? ऐसे बहुत से हैं, कल उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? मैं मुंज को देख आई हूं, वो आदमी नहीं जीता जागता पाप है, मगर उसके सिर में हवा भरी है, वो अपने आप को भगवान समझता है। मैं इस आदमी को कठोर से कठोर दंड देना चाहती हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे मार देना चाहिए। नहीं, उसे मारने से पहले मैं उसके अभिमान को मारना चाहती हूँ। अब क्या किया जाए? उसे लोहे के पिंजरे में बंद करके चौक में रख दिया जाए, ताकि आते जाते लोग उसका ये बुरा हाल देखें और उस पर हंसे। ठीक है, जाओ पिंजरा तैयार करवाओ। मृणालवती, क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? अब भी समय है, जवानी की आंखें खोलो, वरना बुढ़ापा जाग उठेगा तो जवानी का जागना असंभव हो जाएगा। मुझे बस में करने आई थी, आप मेरे बस में होकर जा रही हो, ये मेरी जीत नहीं तो और क्या है? नहीं नहीं, भगवान मुझे बल दो, मेरा जप तप बना रहे, मेरा ब्रह्मचर्य बना रहे, मेरा प्रण बना रहे, संसार के सामने मेरा सर उठा रहे, तेरे सामने मेरा मन झुका रहे। मेरा सिर संसार में हमेशा ऊंचा रहता है और मेरा मन हर हाल में खुश रहता है, मगर मुझे देखकर अफसोस होता है कि तुम्हारे राजा ने पृथ्वी बल्लभ को कैद किया और तुम ऐसे सादा कपड़े पहने हुए हो। जाओ जरा छैला बनकर आओ, वरना दुनिया कहेगी तैलब की प्रजा बड़ी गरीब है। अरे भाई, तू मुझे पीछे क्यों ढकेलता है? और तुम्हारे घरों की सुंदरियां कहाँ हैं? उनके बिना तुम्हारी आज की खुशी भी अधूरी रह जाएगी। इधर आओ। इधर आओ, तुम्हें पृथ्वी बल्लभ बुला रहा है। बोलो, तुम्हें गाना आता है? गाना?
अफसोस, तुम तेलंगन में पैदा हुई हो। अगर अवंतीपुर में पैदा होती तो इस समय तक तुम्हारे रूप को पर लग चुके होते। अच्छा बताओ, तुम नाचना जानती हो? नहीं। ये तुम्हारी दूसरी बदनसीबी है। कुछ बजाना जानती हो? नहीं। अरे तुम हंसते क्यों हो? तुम्हारा राजा लड़ाई जीत कर आया और तुम गा बजाकर उसे बधाई नहीं देते? ये हंसने की बात है या रोने की? लो आओ, मैं तुम्हें गाना सिखाता हूँ। कहो। कैलब की नगरी में गाना नहीं है। गाओ। तुम्हें तो अपने भाग्य पर खुश होना चाहिए कि तुम्हें प्रतिवल्लभ गाना सिखा रहा है। गाओ। कैलब की नगरी में गाना नहीं है। कैलब की नगरी में गाना नहीं है। शाबाश शाबाश, गाना नहीं है बजाना नहीं है। गाना नहीं है बजाना नहीं है। जीवन की खुशियाँ मनाना नहीं है। जीवन की खुशियाँ मनाना नहीं है। क्या करता है क्यों डरता है, आ अपना रंग जमा ले। ए, 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 अपना रंग जमा ले। ए, ए, चांद चढ़े कुल दुनिया देखे, चांद चढ़े कुल दुनिया देखे, तू भी चांद चढ़ा ले। आपने अंधेरे घर में मन की ज्योत जला ले। आपने अंधेरे घर में मन की ज्योत जला ले, बात बना ले। ए, 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 दुनिया की नित लूट बहारें, भर भर पीले प्याले। कल की बात उठा रख कल पर, कल की बात उठा रख कल पर, आज की खैर मना ले। आज की खैर मना ले, सुध बिसरा ले। ए, चिंगारी लेकर, आंखों से चिंगारी लेकर, मन में आग लगा ले। मन में आग लगा ले। हाथों से घर फूंक तमाशा, दुनिया को दिखला ले। हाथों से घर फूंक तमाशा, दुनिया को दिखला ले। ओ मतवाले, हे हे, आंखों से जिंदगी लेकर मन में आग लगा ले। हाथों से घर फूंक तमाशा, दुनिया को दिखला ले। ओ मतवाले, हे हे, अपना रंग जमा ले। हे हे, अपना रंग जमा ले।
इस जीवन में सब कुछ आली आली खाली माली प्याली, इस जीवन में सब कुछ आली। बैठ जाओ। इस जीवन में सब कुछ आली आली खाली माली प्याली। और आप क्या कर रहे हैं? गीत बना रहा हूँ। हर समय गीत? मैं कवि हूँ। हर समय हंसी? मैं लड़की हूँ। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ मुंह से कह दीजिए, मिल जाएगी। मुझे जिस चीज की जरूरत है क्या वो मुझे दे सकोगी? अगर मैं नहीं दे सकती तो पिताजी से कहिए। क्या फायदा, तेलंगन में सब कुछ मिल सकता है। मगर तेलंगन में मेरा देश तो नहीं मिल सकता। वो हवा, वो पानी, वो मेरे अपने आदमी, वो रौंदी हुई गलियां, वो पहचाने हुए बाजार, दूसरों के लिए एक शहर, मेरे लिए स्वर्ग। मेरी माँ भी इसी तरह अपने देश के लिए ठंडी आहें भरा करती हैं। मगर वो तो वहाँ रानी थी, यहाँ रानी नहीं है। आप वहाँ भी कवि थे, यहाँ भी कवि हैं। आपको कविता लिखने से कौन रोकता है? दिन रात लिखते रहिए। ये पानी की लहरें हैं, ये कमल है, ये पंछी हैं, ये फूल हैं, ये झाड़ियाँ हैं, इन सबको देखिए और इनके गीत बनाइए। कविता और गीत उस समय बनते हैं जब अपने देश की आजाद हवा में सुंदर जबान सुंदर बातें बोलती है। ये मेरा देश नहीं है और न यहाँ मेरी जबान मेरे मन की बातें बोल सकती है। क्या आपका ब्याह हो चुका है? नहीं। झूठ। अच्छा तो समझ लो कि हो चुका है। जब भी आपका मन यहाँ नहीं लगता तो यहाँ मेरा मन लगाने के लिए कोई चीज नहीं चाहिए। अगर तुम अपने मन को बस में कीजिए। और जिसके पास उसका मन ही ना हो वो क्या करे? है जाने दो, तुम नहीं जानती प्रेम क्या होता है। कहते हैं कि प्रेम एक तरह का रोग होता है। नहीं विलासपति, प्रेम जवानी के जागने का नाम है। मगर जवानी भी तो एक सपना है। अगर जवानी सपना है तो ये दुनिया भी सपना है। और तुम ये बातें समय समझोगी जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। तुम्हारा ब्याह सत्याश्रय से होने वाला है ना? हाँ। तो उसको देखकर तुम्हारे मन में कुछ कुछ नहीं होने लगता? नहीं। बुरी बात, में कभी कोई नाटक पढ़ा है? नहीं। और भी बुरी बात, कोई कविता की किताब? नहीं। तो पढ़ो। कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे। देखो हम पहले तुम्हें शकुंतला पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाओगे रसनिधि? विलासपति शकुंतला पढ़ना चाहते हैं। शकुंतला? शकुंतला, ठीक ठीक। हर्ज क्या है? रूप और जवानी, जवानी और रूप, पुरानी कहानी है। जवानी और रूप, जहां देखो वहां पर तस्करा रूप और जवानी का। ओहो, तुम आ गई। आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। मेरी राह देख रहे थे? मुझे विश्वास था तुम आओगी। तुम्हें विश्वास था कि मैं आऊंगी? मगर इस विश्वास का कारण? पृथ्वी वल्लभ की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने किसी चीज की तरफ अपना हाथ बढ़ाया हो और वो चीज उसके सामने दौड़ती हुई न आई हो। शुक्र है कि तुमने चांद की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मृणालवती, तुम सच को सच की रोशनी में क्यों नहीं देखती? देखो, मैंने चांद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और चांद मेरे सामने खड़ा है। और अब इस चांद में ये हिम्मत नहीं कि मेरे हाथ से निकल कर अपनी जगह पर वापस चला जाए। मुंज, तुम्हारी एक एक बात में पाप भरा हुआ है। मेरी एक एक बात में कविता भरी हुई है। और कविता और पाप में बहुत बड़ा फर्क है। मगर तुमने तो जोग लिया है, तुम जोग को समझ सकती हो। लेकिन कविता क्या है, प्यार क्या है, जवानी का जादू क्या है, रंग रूप का राज क्या है, वो तुम अभी तक नहीं समझे। क्या तुम जानती हो भौरा फूल के लिए क्यों तड़पता है? क्या तुम्हें मालूम है पतंगा दीपक पर क्यों जल मरता है? क्या तुम समझती हो चकोर चांद की तरफ क्यों लपकता है? अगर नहीं तो यहां बैठ जाओ और मुझसे पूछो, मैं तुम्हें हर बात का जवाब दे सकता हूं। मैं यहां बैठने के लिए नहीं आई, मैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई हूं। सिखाओ क्या सिखाती हो, लेकिन सिखाने से पहले इतना जान लो कि मैं किसी अनाथ का त्यागा हुआ बेटा था और आज पृथ्वी वल्लभ हूं। शेरनियों ने मुझे दूध पिलाया है और हाथियों ने मुझे थपकियां दी हैं।
मैंने भीख मांगी है और ताज दान किए हैं। मैंने अमीरों का लहू चूसा है और गरीबों के लिए अपना लहू बहाया है। वेदों और शास्त्रों का पाठ करके मैंने तपस्या की है और श्रृंगार कला का पाठ करके मैंने दुनिया के सुखों को भोगा है। अब जो बाकी रह गया है वो तुम सिखा दो। मृणालवती, तुम मुझे क्या सिखाओगी? अभी तो तुम्हें आप बहुत कुछ सीखना है। जीवन की बहार तुमने अभी तक नहीं लूटी, चांदनी रात के राज तुमने अभी तक नहीं समझे, प्रेम के गीत तुमने अभी तक नहीं गाए, जवानी की अंगड़ाइयां तुमने आज तक नहीं ली, और अपने प्रेमी के गले से लगकर रंग रस का सागर मथने से क्या होता है ये तुमने अभी तक नहीं समझा। एक तपस्विनी से ऐसी बातें करके तुम उसका अपमान कर रहे हो। नहीं सुंदरी, पृथ्वी वल्लभ कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करता, और खास कर उस स्त्री का जिसे वो अपने दिल की रानी बना चुका है। पापी, तेरी ये मजाल, कोई है? इसके हाथ दाग दो। जी? इसके हाथ दाग दो। जी? मेरे हाथ को जलाकर क्या करोगी? ये तो तुम्हें छूने से ही जल गए हैं। अगर जलाना है तो दिल को जला दो, ये दोष दिल का है। चुप रहो, जल्दी करो। अगर मैं ये जानता कि तुम इतनी जल्द खुश हो जाओगी तो मैं खुद अपना हाथ जला लेता, न तुम्हें तकलीफ होती न तुम्हारे आदमियों को। अच्छा, कल देखना क्या होता है। और तुम कल सांझ को देखना क्या होता है। कल सांझ को क्या होगा? जीवन और जवानी के राज समझने के लिए तुम फिर मेरे पास आओगी। लेकिन मृणालवती, कल थोड़ा सा मरहम भी लेती आना। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ इतना कह दो कि मैं ये चाहती हूं, और विश्वास करो वो हो जाएगा। अच्छा, तो कल तू उसे दरबार में बुला और उसे अपने पांव धुलवा। मैं नहीं चाहती कि अब उसका मान उसके पास एक दिन भी रहे। बहुत अच्छा, कल तेरी प्रजा देखेगी तू कितना बड़ा है, कितना महान है। क्या मुंज मेरे भाई के पांव धोना मंजूर करेगा? क्या मेरा भाई मुंज से उसका अभिमान छीन सकेगा? क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? मगर मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मैं नहीं जानती। मैं नहीं समझ सकती मैं क्या चाहती हूँ। मैं नहीं जान सकती मैं क्या मांगती हूँ। Thank you.
पृथ्वी परमात्मा की, नेम न्याय का, आज्ञा राज दरबार की, देवताओं के अमृत पुत्र महाराज तैलब ने निश्चय किया है कि आज दरबार होगा जिसमें अवंतीपुर का हारा हुआ राजा मुंज महाराज तैलब के पांव धोएगा और उसके बाद प्राणों की भिक्षा मांगेगा। नगर निवासियों को चाहिए कि दरबार में आए और अपने देश और राजा की शान और शोभा देखकर खुश हो। प्रजा के पालक, पृथ्वी के मालक, शत्रु विनाशक तैलब राज की जय जय जय। जग के स्वामी, प्रजा के हामी, विश्व में नामी तैलब राज की जय जय जय। मुंज, पृथ्वी वल्लभ कहो, हम पृथ्वी वल्लभ हैं। पृथ्वी वल्लभ पृथ्वी पर राज करता है, पृथ्वी पर बंदी और दास बनकर खड़ा नहीं होता। कल के सपनों से चौंको, आज के प्रकाश में जागो, और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जिन पांव से दुनिया कांप रही है उन्हें अपने हाथों से धो, उसके बाद मुंह में घास लेकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम जीते रहोगे। मुंजराज, चलिए महाराज के पांव धोइए। मंत्री महाशय, कहां है वो दुनिया में हलचल मचा देने वाले महाकाल के से शक्तिवान पांव जिन्हें धो करे पृथ्वी वल्लभ अपना जन्म सफल करे। अवंती राज, हरा हुआ राजा सदा से जीते हुए राजा के पांव धोता आया है, ये हमारे देश की पुरानी रीत है। फिल्म राज, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं और पांव धो, और वो भी उस कार के जिसके हाथ मेरे पांव धो धोकर जीवन भर के लिए गीले हो चुके हैं? गुस्ताखी न कर, तेरा जीवन मेरे हाथ में है। मूर्खता न कर, मेरा जीवन भगवान के हाथ में है, और जब तक वो नहीं चाहता तब तक तू, तेरी सेना, तेरी जीत, किसी में हिम्मत नहीं कि मेरा बाल भी बांका कर सके। तो तू मेरे पांव नहीं धोएगा? दुश्मन के पांव धोकर 100 साल जीने से ये लाख दर्जे अच्छा है कि आदमी अभिमान का एक क्षण जिए और उसके बाद हमेशा के लिए आंखें बंद कर ले। इससे जबरदस्ती हमारे पांव धुलवाए जाएं। मुंजराज, चलिए उज्जत न कीजिए। अपमान किया है, कत्ल कर दो इसे। देखते क्या हो, कत्ल कर दो इसे। ठहरो, एक निहत्ते आदमी को इस तरह मारना कायरों का काम है। मगर आज का दरबार समाप्त हुआ, मुंज का फैसला फिर होगा। आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर इस समय तू उसे मरवा देता तो सदा के लिए बदनाम हो जाता। बदनाम तो मैं अब भी हो गया। क्रोध को बस में रखने से आदमी बदनाम नहीं होता, नेकनाम होता है। लेकिन उसे कत्ल करा देने में क्या हर्ष था? बहुत हर्ष था।
किसी राजा के शरीर पर युद्ध भूमि के सिवाय और किसी जगह हमला नहीं हो सकता। अगर वो तेरे पांव न धोए तो तू उसे दूसरी सजा दे सकता है। पिंजरे में उसे रखा नहीं जा सकता, मौत की सजा उसे दी नहीं जा सकती, तो फिर आखिर किया क्या जाए? मालूम होता है तुझे मुझ पर विश्वास नहीं रहा। ये मैंने कब कहा? तो ये काम मुझ पे छोड़ दे, मैं सब ठीक कर लूंगी। कुछ समझ में नहीं आता। आ जाएगा, आ जाएगा। ये देखिए, यही है वो सुरंग, विलास की माँ ने ठीक कहा था। बस मैदान मार लिया, महाराज हैरान रह जाएंगे, कहेंगे तुम बहादुर हो, तुम सूरमा हो। तुम बाहर चले जाओ, अगर कोई भय हो तो एक रोड़ा मेरी तरफ फेंक देना, मैं खबरदार हो जाऊंगा। नगर नगर में अमृत बरसे, नगर नगर में अमृत बरसे, पग पग खिला कुमार, पग पग खिला कुमार, खुले स्वर्ग के द्वार जग में, खुले स्वर्ग के द्वार, खुले स्वर्ग के द्वार जग में, खुले स्वर्ग के द्वार। जादू की धुन छाई जग में, जादू की धुन छाई जग में, छाया नवल निखार, छाया नवल निखार, फूल तो फूल खिले कांटे भी, फूल तो फूल खिले कांटे भी, ऐसी अजब बहार, ऐसी अजब बहार, खुले स्वर्ग के द्वार जग में, खुले स्वर्ग के द्वार। जो जगी आशा की मन में, जो जगी आशा की मन में, दूर बांध कर, दूर बांध कर, मन जगा सब दुनिया जागी, मन जगा सब दुनिया जागी, महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, खुले स्वर्ग के द्वार जग में, खुले स्वर्ग के द्वार, खुले स्वर्ग के द्वार जग में, खुले स्वर्ग के द्वार। क्यों विलासवती, अब तुम भी कवियों के बनाए हुए झूठे गीत गाने लगी? मैं कब गा रही थी? मालूम होता है आपके कान बज रहे होंगे। या मेरे कान बज रहे होंगे या तुम्हारे मुंह में तुम्हारी जबान बज रही होगी। तुमने मुझे बुलाया है? जी नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया, आपने मुझे बुलाया था। ओह, मैं भूल गया था। ओहो, जरा उधर ही। तो तुम यहाँ आई काहे के लिए हो? मेरा ख्याल है मैं गुरुजी से शकुंतला पढ़ने के लिए आई थी। मेरा ख्याल है आज गुरुजी शकुंतला नहीं पढ़ा सकेंगे। तो आपने मुझे बुलाया ही क्यों था? बुलाया इसलिए था कि अब मुझे आज्ञा दो, मैं घर जाऊंगा।
कब? आज। और वापस कब आइएगा? पिंजरे से छूटा हुआ पंछी क्या फिर भी कभी पिंजरे में लौटा करता है? अगर उसे पिंजरे की किसी चीज से प्यार हो जाए तो लौट सकता है। स्वतंत्रता बुरी चीज है। बंधन भी तो बुरी चीज है। तो गोया प्यार भी एक बंधन है। आप ही ने तो कहा कि प्यार एक बंधन है और इसी बंधन के लिए दुनिया पागल हुई फिरती है। इसी बंधन को कभी लोग स्वर्ग की सबसे बड़ी नियामत समझते हैं। इसी बंधन के गीत दुनिया के कदम कदम पर गूंजते दिखाई देते हैं। अब पंछी बताए, वो पिंजरे में वापस आएगा या नहीं? पंछी कहता है नहीं। तब तो पंछी तोता चश्म है, वो पिंजरे से जुदा होते ही पिंजरे को भूल जाएगा। पिंजरा लोहे का है, उसे पंछी की जुदाई महसूस भी ना होगी। पिंजरे के जिस्म लोहे का है मगर उसका दिल लोहे का नहीं है। तो पिंजरा ही पंछी के साथ पंछी के देश क्यों नहीं चला जाता? पिंजरा तैयार है मगर पंछी के परों में हिम्मत है। पिंजरे को मालूम हो कि पंछी के परों में हिम्मत है। तो पंछी को भी मालूम हो कि पिंजरा तैयार है। विलास। पंछी उड़ चल अपने देश, पंछी उड़ चल अपने देश, पंछी उड़ चल अपने देश, पंछी उड़ चल अपने देश। देश स्वर्ग कटुकड़ा, मेरा देश स्वर्ग कटुकड़ा, फूले फले हमेश, फूले फले हमेश, पंछी उड़ चल अपने देश, पंछी उड़ चल अपने देश, पंछी। परछाई बनकर हम पंछी परछाई बनकर ऊपर से उड़ जाएंगे, ऊपर से उड़ जाएंगे, मदद करेंगे देव हमारे, मदद करेंगे देव हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, पंछी उड़ चल अपने देश, पंछी उड़ चल अपने देश, पंछी उड़ चल अपने देश, पंछी उड़ चल अपने देश। क्यों रे, यहाँ क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है यहाँ? ये मंदिर सिर्फ राजकुल के लोगों के लिए है, मालूम नहीं? मैं मंदिर में नहीं आया था, मैं विलासपति से मिलने आया था। क्यों? इनके पिता ने मेरी जान बचाई है, मैंने सोचा इनसे मिलना चाहिए। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, जाओ अपना रास्ता लो। अपने बाप से कहो मुझे छोड़ दे, मैं अभी चला जाता हूँ। मैंने कहा जाओ,
मुझे विलासवती को उसके घर पहुंचाना होगा। विलासवती आप भी घर जा सकती हैं। जाओ यहां से। विलासवती, तुम्हें ऐसे आदमियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। आदमी बुरा तो नहीं है। तुम इस देश की होने वाली महारानी हो, तुम्हें भंड और कवियों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। जहाँ राजा रानी को राग और कविता की चाट लग जाए, वह देश तबाह हो जाता है। आखिर इस आदमी में सिवाय झूठ और खुशामत के और क्या है? क्या कविता और झूठ एक ही चीज है? हाँ, एक ही चीज है। समझ लिया? समझ लिया। जरा जरा सी बात पर रो पड़ना मन की कमजोरी है विलासवती। तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में होना चाहिए। जय शिव। कर तोरा जादू भरा, क्या तासीर दिखाए, मरहम लागे हाथ में, मन शीतल हो जाए। चंचल तोरे नैन हैं, चंचल तोर स्वभाव, कबहू मरहम ला धरे, कबहू लगावे घाव। मृणालवती, अब इस तरह शर्माने और लजाने से काम न चलेगा। बताओ तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। झूठ। तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे मन का ये प्रेम आज तक कहां छुपा हुआ था? मैं जवाब दूं इस बात का? तुम्हारे मन का प्रेम अपने प्रेमी का इंतजार करते करते सो गया था। प्रेमी आ गया, प्रेम जाग उठा। और अब जब प्रेम जाग उठा है तो उसे मन ही मन में मत दबा रखो, जबान पर भी आ जाने दो। मैं पुरुष नहीं हूं। क्या मतलब? पुरुष का प्रेम जब जागता है तब बोलता है और दावे करता है। स्त्री का प्रेम जब जागता है तो चुप रहता है और बलिदान करता है। मृणाल, प्रेम चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, इसका एक ही नियम है। ये जब जागता है तो खुश होता है, मुस्कुराता है, चहचहाता है, और कल क्या होगा इसकी जरा चिंता नहीं करता। समझ गई मेरी रानी? एक बात पूछूं? पूछो। आज आपने मुझे अपनी रानी कहते समय हाथ परे क्यों रखे हैं? ओह, तो मालूम होता है आज तुम मेरा दूसरा हाथ भी जलाना चाहती हो। मगर हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं। मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। अरे ये क्या करती हो? हमारे देश में स्त्री अपने प्रेमी से कभी क्षमा नहीं मांगती, लेकिन तुम्हारे यहाँ का तो नियम ही कुछ उल्टा है। तो अब मैं आप ही के नियम का पालन करूँ? बेशक, जब मेरी रानी बन चुकी हो तो हमारे यहाँ के ही नियमों का पालन करना चाहिए। तो अब तुम मुझसे क्षमा मांगो। मैं तुमसे क्षमा मांगू? लेकिन मेरा दोष? तुम्हारा दोष ये है कि तुमने मेरी तपस्या भंग की। तब तो मृणाल तुम अभी तक प्रेम को नहीं समझी। प्रेम भी एक किस्म की तपस्या है जिससे मन में खुशी पैदा होती है, और हर आदमी दुनिया में खुश होना चाहता है। जो खुशी से परे भागे, समझ लो वो बीमार है। आज तक तुम बीमार थी और अपनी इस बीमारी की दवा तपस्या और वैराग्य में ढूंढती रही, लेकिन आज तुम्हारी बीमारी जाती रही। अब बताओ, तुम्हारे मन में खुशी की तरंगे उठ रही हैं या नहीं? नहीं। यानी हाँ, शुरू शुरू में जब स्त्री ना कहती है तो उसका मतलब हाँ होता है। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम तो स्त्री नहीं हो। मैं स्त्री नहीं हूँ, लेकिन स्त्रियों का ज्योतिषी जरूर हूँ। अच्छा। और अब ये ज्योतिषी अपनी रानी से प्रार्थना करता है कि वो यहाँ बैठ जाए। मैं भी यहाँ बैठ जाऊं? नहीं। बहुत अच्छा। शुरू शुरू में जब स्त्री ना कहती उसका मतलब हाँ होता है। ओ। जय शिव। जय शिव। जय शिव। जय शिव। पृथ्वी वल्लभ, अब मुझे जाना चाहिए। कोई जान गया तो? जान जाए, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं।
कितनी निडर हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं। परवाह गुलाम और कमजोर को होती है। तुम सचमुच पृथ्वी वल्लभ हो। पहले तो तुम मानती ही न थी, अब मान गई। अब चलती हूँ, आज्ञा है। फिर कब आओगी? कल। कल तो बरसों के बाद आएगी। तो जब तुम याद करोगे मैं उसी समय आ जाऊंगी। आज रात को आऊंगी। महाराज। कौन? राजकुमार भोज? यहाँ मैं राजकुमार भोज नहीं, कवि रसनिधि हूँ। अगर भोज होता तो मैं भी आपके साथ बंदी होता। बहुत अच्छा रसनिधि महाशय, क्या तुम अकेले हो? मैं भी हूँ महाराज। ओहो, आप भी पधारे हैं। खूब, मैं तो समझता था कि कवि लोग सिर्फ दिलों में ही रास्ता बना सकते हैं, लेकिन अब मालूम हुआ कि उन्हें जमीन के पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। अच्छा, मैं तुम दोनों का स्वागत करूं। महाराज अभी वक्त नहीं है, यहाँ से निकल चलिए। हमने भागने का इंतजाम कर लिया है इस सुरंग के रास्ते से। उस पार भिल्लम राज, लक्ष्मी और विलास हमारी राह देख रहे हैं। भिल्लम राज? सुयुन देश का हारा हुआ राजा? हाँ महाराज। और वो हमारा साथ देगा? इसमें ताज्जुब कैसा, लेकिन वो तो तैलप का दोस्त है और अपनी बेटी को तेलंगन की महारानी देखना चाहता था। तेलंगन की नहीं, अवंतीपुर की देख लेगा। ओ जी हाँ महाराज, उसने कुमार सत्याश्रय के बजाय राजकुमार भोज के साथ अपनी बेटी के ब्याह कर देना मंजूर कर लिया है। शाबाश भोज, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुमने तैलप के घर में जाकर उसके मुंह पर तमाचा मारा। शाबाश। और कविराज, क्या तुमने भी अपने लिए कोई औरत पसंद कर ली? नहीं महाराज, अब मैं क्या करूंगा। मुझे तुम्हारी हालत पर अफसोस होता है, तुम्हारी जवानी बहुत जल्द बुढ़ी हो गई। अब चलिए महाराज, समय हाथ से जाता है, अगर कोई आ गया तो। तुम दोनों इस वक्त चले जाओ, मैं तो कल तक यहीं ठहरूंगा। क्यों, कल क्या होने वाला है? मेरे पास कोई आने वाला है। यहाँ ऐसा कौन मिल गया महाराज? तेलंगन की राजमाता, तैलप की बहन, मृणालवती। हाँ मृणालवती। क्यों धनंजय, सोच में पड़ गए? मैं ये सोच रहा हूं कि ये पत्थर में सुराख कैसे हो गया। अगर तुम पत्थर में सुराख कर सकते हो तो मैं तो तुम्हारा राजा हूं। लेकिन महाराज, अगर आप अभी यहां से बचकर निकल चलें तो क्या मृणालवती अवंतीपुर नहीं आ सकती? वो तो आ सकती है, लेकिन मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम अभी बच्चे हो। तो हम कल रात को आए? हाँ, कल मैं और मृणाल दोनों चलेंगे। अच्छा महाराज, प्रणाम। सचमुच ये वो आदमी है जिसे देखने के लिए दुनिया को अपने सर से ऊंचा उठना पड़ेगा। लड़ाई हार दी,
मगर मन नहीं हारा। अरे भाई, इनकी हार भी हमारी जीत से बढ़कर है। आम लोग तो समझ ही नहीं सकते कि पृथ्वी वल्लभ क्या कर रहा है। पृथ्वी वल्लभ कुछ सोच रहा है, उसे सोचने दो। पृथ्वी वल्लभ की रानी ये जानना चाहती है कि पृथ्वी वल्लभ क्या सोच रहा है, और पृथ्वी वल्लभ को कोई अधिकार नहीं कि वो अपनी रानी से कोई बात छुपाने को यत्न करे। पृथ्वी वल्लभ ये सोच रहा है कि वो ये प्रेम की बाजी कैसे खेले। जैसे हम खेल रहे हैं। ये तो मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, थोड़े ही दिनों में कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मृणाल, मैं यहाँ बंदी हूँ, तुम्हारा भाई मेरा दुश्मन, अगर किसी को पता चल गया तो ये प्रेम लीला बंद। तो कोई रास्ता निकालो। रास्ते तो हैं, लेकिन तुम उन पर चलोगी? बताओ। पहला रास्ता तो ये है कि तुम मेरा ख्याल छोड़ दो। दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता ये कि तैलब को मारकर आप सिंहासन पर बैठ जाओ। वो मेरे माँ बाप का बेटा है। तीसरा रास्ता? तीसरा रास्ता ये कि हम दोनों जमीन में समा जाएं। मैं नहीं समझी। नहीं समझे? वो देखो। फिर क्या सोचा? मुझे मंजूर है। फिर कल रात को? अच्छा। नमस्कार। जीते रहो। एक और नमस्कार। नमस्कार। पृथ्वी वल्लभ नहीं आए? नहीं। क्यों? अब क्या बताऊं, उन्होंने कहा कल। और आज क्या ग्रहण लगने वाला था? बात यह है कि किसी से कहिएगा नहीं, निर्नालवती को महाराज से प्रेम हो गया है और कल वो भी साथ चलेंगी। क्या कहते हो, इस उम्र में प्रेम? जीवन का जुग आया, हाँ जीवन का जुग आया, जीवन का जुग अपना पाप आगे धर तू, आगे जीता जागत जीवन, आगे जीता जागत जीवन, पीछे काली जीवन छाया, पीछे काली जीवन छाया, जीवन का जुग आया, हाँ जीवन का जुग आया। आज तो तुम्हें मेरा गीत बुरा नहीं मालूम होता? नहीं। क्यों नहीं? मुझसे क्या छुपाती हो, मैं सब कुछ जानती हूँ। नहीं चारिणी, तू कुछ नहीं जानती। एक अंधेरे घर का मालिक समझता था दुनिया में अंधेरा ही सब कुछ है, आज उसने चांदनी देखी है।
एक उदार शहर का वासी समझता था दुनिया में रोना ही सब कुछ है। आज उसने मुस्कुराहट देखी है, आज एक कली ने अपना घूंघट खोला है, आज एक कोयल ने अपनी कूक सुनी है, आज एक सोई हुई बगिया ने बाहर का सपना देखा है। चारिणी, मैंने पहले ही कह दिया था, मुझ लड़ाई हारा है, तू अपना मन हारेगी। चारिणी, मुझ पर विश्वास कर। मगर कोई बात भी तो हो। अगर बात नहीं है तो चुपचाप भागने की तैयारी कर लो, आज तेरी हार जीत का दिन है। अगर भाग गई तो जीत गई, अगर रह गई तो हार गई। तो अब मुझे अपना मन खोलना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे डर है कि अगर मैं पृथ्वी वल्लभ के साथ चली गई तो कहीं की न रहूंगी। यहां मेरे हाथ में भाई है, वहां सिर्फ पृथ्वी वल्लभ होगा, और वो भी मेरे हाथ में न होगा, मैं उसके हाथ में होंगी। ये जीत होगी या हार। आज तक तू बेजान जिंदगी के खुश्क दोपहर में भटक रही थी, उसने तेरे सामने प्रेम की रंगीली रातें खोल दी। क्या तू उन रातों को छोड़ सकेगी? जरा सोच। मुझे एक और भी तो डर है, पृथ्वी वल्लभ जवान है, सुंदर है, चतुर है, और जवानी और रूप का गाहक है। अगर उसने मुझे अपने राज में ले जाकर छोड़ दिया तो मेरा क्या बनेगा? मृणालवती, प्रेम एक जुआ है, इसे खेला जाता है, इसे सोचा नहीं जाता। मैं डरती हूँ चारिणी। जहाँ डर आता है वहां से प्रेम चला जाता है। प्रेम बहादुरों की चीज है, कमजोरों के लिए संताप और पाप है। मैंने सोच लिया है, पृथ्वी वल्लभ इसी तरह बंदी रहेगा। महाराज चलिए। जरा ठहरो रसनिधि महाशय, मृणाल को तो आ जाने दो। लेकिन महाराज, देर करना अच्छा नहीं। वो आ गई। धीरे, बिल्कुल आहिस्ता, पैरों की चाप तक सुनाई न दे, कहीं पता ना लग जाए उन्हें। फौज, मालूम होता है राज खुल गया, तुम यहां से फौरन निकल जाओ। लेकिन आप भी तो चलिए महाराज। मैं मृणालवती को छोड़कर अकेला नहीं जा सकता। तो आपको खतरे में छोड़कर मैं अकेला कैसे चला जाऊं? चिंता न करो भोज, ये वक्त बहादुरी दिखाने का नहीं, चालाकी और होशियारी दिखाने का है। तुम यहां से किसी सूरत अवंतीपुर पहुंच जाओ, और जितनी जल्द हो सके अपनी फौज को इकट्ठा करके फौरन हमला कर दो, और मुझे इस तरह इज्जत से छुड़ाओ भोज, इज्जत से। अच्छा, तो महाशय जी भागना चाहते थे। इसके लिए तुम्हारी आज्ञा की जरूरत न थी? तब फिर गए क्यों नहीं? हम अपनी मर्जी के आप मालिक हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम पृथ्वी वल्लभ हैं। ये तो तुम्हें तब मालूम होगा जबकि हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिए जाओगे। अरे कुचलवाओ भी, हम तुम्हारी ये बंदर भपकियां तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, अब ज्यादा दिन न सुनोगे। सिपाहियों खबरदार रहना, चौधरी जी चलो। पृथ्वी वल्लभ पकड़े गए। पकड़े गए? हमारे आदमियों का क्या हाल है? वो सब निकल गए। और विलास? सुरंग में तुम्हारी राह देख रही है। हमें कल ही भाग जाना चाहिए था। अगर आज भी निकल जाओ तो बड़ी बात है। मगर पृथ्वी वल्लभ तो रह गए। मैंने सुरंग के उस पार घोड़ों का इंतजाम कर दिया है, लो ये तलवार तुम्हें काम आएगी। तो अब विलास से कहना हम उसे जल्दी मिलेंगे। अच्छा प्रणाम। जी
आपने रसनिधि को तो नहीं देखा? नहीं, क्यों, बात क्या है? आप झूठ बोल रही हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो इधर गया है। ग्लास खुल गया, महाराज नहीं आ सकते, चलो जल्दी निकल चले। लेकिन महाराज का क्या होगा? क्या आप बता सकती हैं राजकुमार किधर गए हैं? हाँ, उधर गए हैं, रसनिधि के पीछे। भगवान उसकी रक्षा करना। ये तो बताते जाओ अपने बाप से जाकर क्या कहोगे? मैंने विलास को मार दिया। मार दिया? हाँ, वो जिंदा रहने की योग्य न थी। तो तूने मेरी बेटी को मार दिया। आपने सुना सत्याशय ने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना। और सुनकर भी आप चुप हैं? ठीक है, आप राजभक्त हैं और राजभक्त चुप रहने के सिवाय और कहीं क्या सकता है। तो फिर अब आगे बढ़िए, घुटने टेकिए, हाथ जोड़िए, इसके पैरों की खाक लेकर अपने सर पर लगाइए। ये बहादुर है, इसने आपके इकलौती बेटी की हत्या की है। मालूम होता है तुमने किसी शत्रानी का नहीं, किसी दासी का दूध पिया है, वरना ये कैसे मुमकिन था कि तुम्हारी बेटी का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा रहता और तुम उसकी गर्दन काटकर मिट्टी में न मिला देते। मैं कहती हूँ तुम हवा में क्या देख रहे हो, मैं कहती हूँ तुम हवा में क्या देख रहे हो। लक्ष्मी, मैं जानती हूँ तू जोश में है, मगर जोश का मतलब ये नहीं कि तू देश और काल को भूल जाए। तेरा सोच तू क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ कि मेरी बेटी मेरी आज्ञा से भोज के साथ भाग जाना चाहती थी तो उसकी सजा मौत है, लेकिन तू भी तो अपने भाई और राजा की आज्ञा के बिना मुंज के साथ भाग जाना चाहती थी। लक्ष्मी, फिर तेरा सर अभी तक तेरे कंधों पर क्यों सलामत है? लक्ष्मी, कौन कहता है बुआ मुंज के साथ भागना चाहती थी? मैं कहती हूँ। आप झूठ कहती हैं। अगर बुआ मुंज के साथ भागना चाहती तो मुझे मुंज को पकड़ने के लिए आज्ञा न देती, और मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ कि उन्होंने मुझे मुंज को पकड़ने के लिए भेजा था। आप बोलती क्यों नहीं, क्यों नहीं इनका मुंह बंद करती, क्यों नहीं कहती ये झूठ है, क्यों नहीं कहती ये झूठ है? कहो ना, ये झूठ है। कहिए ये झूठ है, कहिए, कहिए ये आपके पवित्र जीवन पर कलंक है, कहिए ये हमारे युग का सबसे बड़ा पाप है। देख लिया,
ये नहीं बोलती, गोया ये मान रही है कि मैंने जो कुछ कहा है वो सब सच है। गोया ये इस बुढ़ापे में अपने देश के दुश्मन मुंज के साथ भाग जाना चाहती थी। सत्याश्रय, अब अपनी तलवार उठा और अपनी इज्जत बचाने के लिए इसकी गर्दन पर वार कर, और मैं तेरी इज्जत बचने का ये हाल अपनी आंखों से देखूं। फिल्मराज, इस समय लक्ष्मी देवी को यहां से ले जाओ। मुझे यहां से ले चलो, मुझे यहां से ले चलो, वरना वरना मैं इसका लहू पी जाऊंगी। इसने मेरी बेटी की जान ली है। चलो देवी, चले। हाँ चलो, अब हमारा इस देश में कौन है? भिल्लमराज, तुमने अपने सिपाहियों को यहां बुलाया है? हाँ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम और तुम्हारे सिपाही यहां से नहीं जा सकते। देखता हूं हमें रोकने की हिम्मत किस माई के लाल में है। मैं तुम्हें रोकूंगा। आदमी हवा और पानी को बांध सकता है, मगर आग और आंधी को कोई नहीं बांध सकता। हट जाओ। हथियारा घोड़े लाओ, हम अपने देश जा रहे हैं अभी इसी समय। आओ देवी, चलें। सत्याश्रय, शहर का दरवाजा बंद कर दो। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। भिल्लमराज, माँ, अब बताइए कविराज, हमें क्या करना चाहिए? भिल्लमराज, भोज नौजवान है, मैं कवि हूँ। इस समय आप हमारे राजा हैं, आप आज्ञा दीजिए, हम पालन करेंगे। तो फिर एक क्षण व्यर्थ जाने दो, तुम जाकर अपनी सेना जमा करो, मैं अपने सिपाही जमा करता हूँ। हम आठवें दिन यहाँ मिलेंगे, और वो आठवां दिन तैलब के लिए बर्बादी और तबाही का दिन होगा। नमस्कार। आयुष्मान, तुम ठीक समय पर पहुंच गए राजकुमार। कैसे न पहुंचता, आज आठवां दिन है, फिर भी मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमने देर कर दी। ईश्वर करे तुम्हारा ख्याल गलत हो। इसका सिर्फ एक ही उपाय है,
हमें इसी समय हमला कर देना चाहिए। पृथ्वी परमात्मा की, नियम न्याय का, आज्ञा राज दरबार की, तमाम नगर निवासियों को मालूम हो कि लड़ाई का कैदी मुंज आज मृणालवती से आखिरी भिक्षा मांगेगा। उसके बाद उसे तमाम रियाल के सामने हाथी के पांव तले कुचलवा दिया जाएगा। नाम न्याय का लेते हैं, काम अन्याय का करते हैं। हमारा राजा क्या भूल गया है कि यही मुंज उसको 16 बार जीवन दान दे चुका है और आज मुंज के साथ ऐसा अत्याचार। मगर इस अत्याचार का कारण? कारण यही कि मुंज वीर है। देखो वो इस हाल में भी किस शान के साथ अपनी मृत्यु के पास जा रहा है। मृणालवती, तुम्हारा भाई कहता है कि मैं तुमसे भिक्षा मांगू, मगर मैं ये सोचता हूं कब तुम काहे की भिक्षा दोगी। जो कुछ तुम्हारे पास था वो तो तुम मुझे पहले ही दे चुकी हो। अब इस तरह घबराने से काम न चलेगा। दुनिया कहेगी पृथ्वीवल्लभ ने मृणालवती को प्रेम करना तो सिखा दिया, लेकिन उसे अपना मन बस में रखना नहीं सिखाया। बहादुर बनो, भिक्षा दो। मुझे क्षमा करो, ये सब मेरा दोष है, मैं ही तुम्हारी मौत का कारण हूँ। तू कितनी भोली है। अगर तू ये समझती है कि मैं तेरे कारण मर रहा हूँ तो ये तेरी भूल है, और अगर तेरा भाई ये समझता है कि वो मुझे मार रहा है तो ये उसकी भी भूल है। मेरे मरने का दिन और तरीका तो मेरे पैदा होने से पहले ही मुकर्रर हो चुका है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तेलंगन के लोगो, जरा अपने राजा की बहादुरी देखो। वो मेरा बदला अपनी गरीब बहन से ले रहा है और इसे जरा शर्म नहीं आती। चुप रह। ये भी भगवान की लीला है जो आज एक गीदड़ शेर से कहता है कि चुप रह। तू कहने को जो जी में आए कह ले, मगर जीत आज इसी गीदड़ की होगी। ये तेरा नहीं, तेरी आंखों का दोष है। अवंतीपुर में बहुत सेना जमा कर रहा है। सियुन देश में भिल्लम राज मेरा बदला लेने की तैयारियां कर रहा है। तेरे राज्य में तेरी प्रजा तेरी नहीं है, तेरे घर में तेरी बहन तेरी नहीं है, तेरे मन में तेरी शांति तेरी नहीं है। कौन जीता, तू या मैं? अभी मालूम हुआ जाता है। तू मुझे झुकाना चाहता था, मैं न झुका। तू मुझसे मेरा अभिमान छीनना चाहता था, न छीन सका। तू दया और धर्म का अवतार बनकर अपने लोगों के दिलों में समाना चाहता था, मगर तेरे लोग तुझे गालियां दे रहे हैं और मेरी इज्जत तेरे एक आदमी के दिल में है। बता कौन जीता, तू या मैं? उधर देख, अब बता कौन जीता, तू या मैं? जब तेरी मौत तेरे सामने थी उस वक्त अगर तू हंसते हुए जाकर उसके गले से लिपट जाता तो मैं क्या, सारी दुनिया मान लेती कि तू जीत गया, मगर तुझ में ये हिम्मत न थी इसलिए तू हार गया। और मैं अपने सामने अपनी मौत को देखकर मुस्कुरा रहा हूँ, और दुनिया के किसी योद्धा में ये ताकत नहीं कि मेरे होठों से मेरी मुस्कुराहट छीन सके। इसलिए तू कहे या न कहे, मगर आज की दुनिया कह रही है और कल की दुनिया कहेगी कि इस लड़ाई में तैलब हार गया और पृथ्वी वल्लभ जीत गया। अब बातें बनाने से कुछ न बनेगा, ले जाओ। पृथ्वी वल्लभ का अपमान न करो, वो अपनी मौत के पास अपने पांव से चलकर जाएगा।
और तू देखेगा कि पृथ्वी वल्लभ की मौत भी उतनी ही रंगीन और शानदार होगी जितनी कि उसकी जिंदगी थी। क्यों घबरा गए? अगर पृथ्वी वल्लभ घबरा जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। फिर रुक क्यों गए? मैं सोचता हूं कि लक्ष्मी विष्णु के पास चली जाएगी, कीर्ति और शोहरत वीरों के पास चली जाएगी, लेकिन मेरे मर जाने के बाद सरस्वती का तो कहीं भी ठिकाना न रहेगा। वो बेचारी कहां जाएगी? हाथियों के राजा, आज तेरे सामने राजाओं का राजा खड़ा है, उसे प्रणाम कर। मेरा हाथी मेरा अपमान कर रहा है। तुम्हारी आंखों में आंसू, बढ़ाओ हाथी को आगे बढ़ाओ। महाराज, इस दासी की आखिरी भेंट। अपनी जान प्यारी है तो हाथी को इसी वक्त आगे बढ़ाओ। रंज न करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। पृथ्वी वल्लभ की आज्ञा है कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। जय महाकाल, जय महाकाल। महावत रोको, रोको महावत, महावत रोको, रोको महावत। जय महाकाल। बाबा, महावत रोको। पृथ्वी वल्लभ की जय। वाह, जैसा वीरों का सा जीवन वैसी ही वीरों की सी मौत। पृथ्वी वल्लभ तुम पूज्य हो। और मृणालवती तुम धन्य हो कि ऐसे वीर की गोद में तुमने मृत्यु पाई।
ले जाओ। इस कायर की जगह मस्त हाथी के पांव तले है। राज अधिराज महाराज भोज की जय जय जय। भगवान, आज मेरी पहली जीत ने पहली बार संसार में मेरा सिर ऊपर उठाया है, इसलिए मैं तेरे सामने सिर झुकाता हूँ और तुझसे वर मांगता हूँ कि जिस तरह मेरे चचा का सिर मरते समय तक तेरे सिवाय और किसी के सामने नहीं झुका, उसी तरह जिंदगी भर मेरा सिर भी तेरे सिवाय और किसी के सामने न झुके। तेरी जय हो, तेरे भक्तों की जय हो।